और बेहतर तरीके के साथ क्लासरूम में अपना रवैया जो है वो दिखाएं इसमें जो जिम्मेदारी है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट गेट्स शिफ्टेड फ्रॉम द टीचर टू द स्टूडेंट और ये बात बहुत अहम है कि टीचर जो है वो जिम्मेदारी के साथ स्टूडेंट्स को सेल्फ डिसिप्लिन सिखाए उनको बताएं कि कौन से एक्सेप्टेबल बिहेवियर्स हैं कौन से बिहेवियर्स जो हैं वो अनएक्सेप्टेबल हैं और फिर इन कवायद को मेंटेन करना जो है और इन इनका भरम रखना जो है वो स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी है स्टूडेंट्स तो जो हैं, दे शुड एक्ट रिस्पॉन्सिबली इनफ टू मेंूम वंस सेल्फ डिसिप्लिन इज एस्टेब्लिश देन डिसिप्लिन आर रिड्यूस्ड तो सेल्फ डिसिप्लिन जो है उसको जो है मेनटेन करना और स्टूडेंट को सेल्फ डिसिप्लिन सिखाना जो है वो बुनियादी तौर पर उसताद की जिम्मेदारी है लेकिन जब स्टूडेंट जो है सेल्फ डिसिप्लिन में आ जाता है तो जो टीचर जो है उसका रोल जो है वो थोड़ा सा मिनिमाइज हो जाता है क्योंकि अब शागिर्द जो है जो तालबिल जो है वो खुद ही जिम्मेदारी उठा रहा है अच्छी तरह बिहेव करने की क्लासरूम में तो दीज थिंग्स आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इसमें कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं टीचर जो है वो ये स्टूडेंट को बता देता है कि सेल्फ डिसिप्लिन जो है उसमें डूज क्या हैं और डोंट्स क्या हैं फॉर एग्जाम्पल जो तालब इल्म है उसको ये चाहिए कि वो एक बेहतर और जेंटल तरीके के साथ क्लासरूम में रहे स्टूडेंट शुड बी काइंड एंड हेल्पफुल टूवर्ड्स अदर्स उसकी वजह से दूसरों को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए और उन कोशिश करनी चाहिए कि स्टूडेंट जो हैं वो एक दूसरे की मदद करें स्टूडेंट्स शुड वर्क हार्ट देट शुड बी पार्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन दे शुड लुक आफ्टर द प्रॉपर्टी ऑफ देर ओन प्रॉपर्टी एंड एज वेल एज द प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स इसके अलावा दे शुड लिसन टू पीपल एंड दे शुड बी ऑनेस्ट सो दीज आर सम गुड रूल्स एज फार एज सेल्फ डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड इसके अलावा वट आर द डोट्स वट इज इट एट स्टूडेंट्स शुड नॉट टू टू ब्रीच यू नो डिसन इशूज इन द क्लासरूम इसमें दे शुड नॉट हर्ट एनी बॉडी दे शुड नॉट हर्ट द फीलिंग्स ऑफ अदर्स दे शुड नॉट वेस्ट टाइम ना वो अपना वक्त ज़ाया करें ना वो दूसरों का वक्त ज़ाया करें और ना ही वो अपनी या किसी और की प्रॉपर्टी को डैमेज करें एक दूसरे को इंटरप्ट ना करें एक दूसरे की बात सुने और इसके अलावा वो झूठ ना बोले ये बहुत अहम बातें हैं दीज आर दी गोल्डन रूल्स ये जो हैं स्टूडेंट्स में ये तमाम खसूसियात होनी चाहिए और डूज एंड डोंट्स जो हैं उनको सही तौर के ऊपर प्रैक्टिस करना जो है ये बहुत ज़रूरी इसमें स्टूडेंट्स जब सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो उसमें आ जाते हैं तो देन दे स्टार्ट रिस्पेक्टिंग दैम सेल्वस ऑल्सो सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो ख़ुद ब खुद बखुद आ जाती है क्योंकि स्टूडेंट्स फिर एक जिम्मेदाराना रवैये के साथ आते हैं और उनको ये मालूम होता है कि अगर वो सेल्फ डिसिप्लिन के तहत जो हैं वो काम कर रहे हैं तो फिर उनकी रिस्पेक्ट भी हो रही है और वो दूसरों की भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं सो दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दीज थिंग्स लीड टू सेल्फ डिसिप्लिन सो द डूज एंड द डोंट्स दे नीड टू बी कम्युनिकेटेड एंड देन दे शुड बी अप हेल्ड बाय द स्टूडेंट्स दे शुड बी अप हेल्ड बाय द स्टूडेंट्स वेरी रिलीजियसली एंड दे मस्ट स्टिक टू इट सो दैट सेल्फ डिसिप्लिन इज़ क्रिएटेड इन द क्लासरूम सेल्फ डिसिप्लिन अगर नहीं होगा तो फिर टीचर जो है वो बार 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 ये उसको बताना पड़ेगा कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है उससे बेहतर है कि स्टूडेंट्स को प्रिपेयर किया जाए ताकि वो सेल्फ डिसिप्लिन में रहकर क्लासरूम में काम करें सो देट क्लासरूम मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स आर कंट्रोल्ड एंड दे शुड नॉट हैपन एट ऑल